मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, ए दुश्मन जमाना मुझे ना बुलाना, मैं सब कुछ बुला दूंगा तेरी चाहत में, दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, रात छूटा ये वादा जो टूटा, मैं सब कुछ बुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। नमस्कार दोस्तों, वाह फिजिक्स बॉय डॉक्टर निशान गोल्ड में आपका स्वागत है, और हम आए हैं आज बीटेक का नया लेक्चर लेते हुए समरफील्ड्स फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल पोस्टुलेट्स, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वह फिजिक्स बाय डॉक्टर निशान गौर, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अच्छी तरह पोस्टुलेट समझने के लिए एंड तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक करें, बीच में ही इस वीडियो को ना छोड़ें, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा बीटेक का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है समरफील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल पोस्टुलेट्स। तो इसमें ये देखिए समरफील्ड है गैस मॉडल पोस्ट लेक्चर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल पोस्टुलेट्स, ये आपका और ये है क्या, थोड़ा इसको समझ लें। इन मेटल्स द लास्ट ऑर्बिटल, जो मेटल्स होती हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं टू मूव इनसाइड, उसमें मूव करने के लिए फ्री होते हैं, बट दीज कैन नॉट देमसेल्फ कम आउट ऑफ द सरफेस, लेकिन वो सरफेस से बाहर नहीं आ सकते। दीज इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए गैस ट्रैप्ड इनसाइड ए वेल ऑफ ए नेगेटिव पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करते हैं, एज ए ट्रैप्ड, अंदर हम ट्रैप्ड हुआ है, जैसे कोई किसी कुएं में कोई घूम रहा है, घूमता हुआ है, वो तो नेगेटिव पोटेंशियल की तरह वर्क करते हैं। क्रिएटेड नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्रिएटेड बाय द लेफ्ट ओवर पॉजिटिव आयंस के कारण जो एनर्जी क्रिएटेड करी जाती है लेफ्ट ओवर होने के बाद, छोड़ने के बाद, वो उसमें ये दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपनी बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टी, ऑब्जर्वर्ड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी। समरफील्ड डब्ल्यूएच डेवलप्ड ए मॉडल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, एक पोस्टुलेट डेवलप करा जिसमें बताया है। पहला पोस्टुलेट हम यहाँ लेके चल रहे हैं, द पोटेंशियल इज पीरियोडिक। पोटेंशियल कैसा है, पीरियोडिक, इट मीन्स ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएटेड बाय द लेफ्ट ओवर पॉजिटिव। पॉजिटिव आयंस के द्वारा जो क्रिएटेड गया या छोड़ा किया गया नेगेटिव पोटेंशियल में, जो ये इलेक्ट्रॉन है बाहरी इलेक्ट्रॉन, ये मूव करते रहते हैं। ऑल दो द पोटेंशियल इज पीरियोडिक, जिसके कारण ये क्या है, पोटेंशियल कैसा है, पीरियोडिक है। जैसे इस तरह का है, ये मोशन करेगा या ऐसे मोशन करेगा या ऐसे मोशन करेगा, तो ये पीरियोडिक एक निश्चित इंटरवल से सब चीज हो रही है। इट मीन्स इट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है। सेकेंड पोस्टुलेट की हम बात कर लेते हैं। इन मेटल्स ईच एटम्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैस डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। जो ये मेटल्स है उसमें ईच इलेक्ट्रॉन है, ईच एटम है, कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉन टू फ्री इलेक्ट्रॉन गैस डिपेंडिंग ऑन, जो गैस का नेचर है उस पर डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें सोडियम की बात करें, तो सोडियम कंट्रीब्यूट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फिगरेशन कितना है 11, तो 11 का कॉन्फिगरेशन हो गया 11, को हम लिखेंगे तो 2 8 1 2 8 1, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितना है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा 1 फ्री रहेगा। ऐसे एल्युमिनियम की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्री रखता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओबे पॉली ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रॉन है वो ओबे करता है, इलेक्ट्रॉन ओबे पॉली ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन है पॉली ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, दैट इज नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई द सेम एनर्जी स्टेट। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी स्टेट में सेम स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है, जैसे ये आपका बनाया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये भर गया, एक ये भर सकता है, फिर ये भर सकता है, फिर ये भर सकता है, फिर ये भर सकता है, ठीक है, ऐसे तो भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरह से भर सकते हैं, लेकिन
जो इलेक्ट्रॉन भरना चाहे कि ये हो गया, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, दिस इज द आइडियल वे। इस तरह से हाफ एंटी स्पिन रहेगा, फिर स्पिन रहेगा, फिर स्पिन, फिर एंटी स्पिन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो नंबर थर्ड में ये हम बात करते हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ, द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस ओवे फर्मी ड्राक स्टैटिक्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है वो ओवे करती है फर्मी ड्राक स्टैटिक्स का, अकॉर्डिंग टू विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी ई एट टेम्परेचर कैपिटल टी इज गिवन बाय। तो जो फर्मी एनर्जी फंक्शन है वो हमारा किससे दिया हुआ है, एफ ई, एफ फंक्शन है, ठीक है, ई एनर्जी है इसकी। तो यहाँ पर दिया हुआ है एफ इक्वल टू वन ओवर ई टू पावर ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी प्लस वन। तो ई क्या है, टोटल एनर्जी होगी, ई एफ यहाँ पर क्या हमने बताया हुआ है, ऐसे ई एफ फर्मी एनर्जी है और ई आपकी एनर्जी बताई दिया, के आपका क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो एफ यू बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी वन ओवर ई टू पावर ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी प्लस वन। तो इससे हम ये इसकी निकाल सकते हैं, फर्मी एनर्जी फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये आज का पोस्टुलेट सोर्स फील्ड का, अगर आपको समझ में आया हो तो हमें जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।